बोलो भरत महाप्रभु की, सचिनंदन गौर हरि की। गौर सर चंद्रामित निधि गौरम सर्वम स्तुवे, गौरेण प्रथितम रहस्य भजनम गौरम सर्वम गते। जो उठ के जाएगा उसको प्रेम नहीं मिलेगा। अब देख लो, अच्छा फिर उधर खड़े हो। गौर सर चंद्रामित निधि गौरम सर्वम स्तुवे, गौरेण प्रथितम रहस्य भजनम गौरम सर्वम गते। गौरस्य कृपालु रात्रि न परौ गौरस्य भृत्यस भवाम, गौर गौरम चरामि भगवान गौर प्रभु रक्षवाम। देखो कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु जी 528 वर्ष पूर्व आए, उससे पहले और अवतार भी आए, लेकिन श्री प्रोद्गल सरस्वती ठाकुर बता रहे हैं कि यदि वरा भगवान आए और उन्होंने हिरण्याक्ष को वध करके पृथ्वी को समतल में रखा तो उससे जीवों को क्या उद्धार हुआ। नरसिंह भगवान आए, उन्होंने हिरण्यकशिपु को वध किया, लेकिन साधारण जीवों को क्या प्राप्त हुआ। और कपिल भगवान आए, उन्होंने सांख्य योग की शिक्षा प्रदान की, तो साधारण हम जैसे जीवों को क्या प्रयोजन हुआ। श्री कृष्ण आए, जो श्री कृष्ण को रूप गोस्वामी जी ने वादन्य कह के संबोधन किया है, संत अवतार भव पंकज नामस्य सर्वत्र भद्रा कृष्ण वदन्याय को लतोसी प्रेम तो भवती। बोलते श्री कृष्ण ऐसे दानी हुए जिन्होंने लताओं को भी प्रेम प्रदान किया, परंतु कौन सी लताओं को। वो लताएं जो पहले से कुंज और निकुंज में उपस्थित हैं, उनको अपनी लीला माधुरी के द्वारा प्रेम प्रदान किया। लेकिन वही श्री कृष्ण साधारण जीवों को, कलयुग के हम जैसे जीव जिनकी बुद्धि भी कैसी मंद सुमंद मध्यो मंद भाग्य ही बाधितम, भाग्य पर मंद है बुद्धि भी मंद है। हमारे जैसे पतित जीवों के लिए, मेरे जैसे पतित जीव के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु सचिदानंद गौर हरि, जो श्री कृष्ण राधा भाव विभावित होकर श्री राधा जी की भाव और कांति को प्राप्त करके राधा भाव द्वितीय सवलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम, वे जब कलयुग में आए तो कलयुग के जीवों की स्थिति को देखकर पात्र अपात्र विचारम न कुरुते न च परम वीक्षते। कोई विचार नहीं किया कि कोई पात्र है कोई अपात्र है, सबको दत्त भक्ति रतम स्वयं कौन परम विगति, सबको वह प्रेम प्रदान किया। लेकिन वो श्री कृष्ण प्रेम प्रदान कैसे कर रहे हैं, वो तो बिना राधा जी की सहायता से संभव नहीं है। राधा जी के भाव और कांति को मांगा, जो श्री कृष्ण बड़े उच्च स्वर से घोषणा करते हैं कि ये यथा माम प्रवदन्ते ताम सदैव भजामि हम, जो मेरे जैसा भक्ति कर भजन करता है मैं भी उसको वैसे ही भजन करता हूँ। ये प्रतिज्ञा और समस्त भक्तों के समक्ष इस प्रतिज्ञा को पूर्ण कर रहे हैं। लेकिन सही प्रतिज्ञा भंग होइलो गोपीर भजने जहां के प्रमाण श्री कृष्ण मुख बचाने। ये प्रतिज्ञा श्री कृष्ण की भंग हो गई, कहां पर श्री राधा जी के समक्ष, जिनका प्रमाण स्वयं श्री कृष्ण अपने मुख से कह रहे हैं, हाथ जोड़कर ये कह रहे हैं कि ना पारे हम निर्वध समझो, हे राधा जी मैं आपके प्रेम का पार नहीं पा सकता, लेकिन प्रेम का पार पाना चाहता हूँ, आपकी महिमा को सारे जगत में विस्तृत करना चाहता हूँ, सारा जगत देखे। इससे श्री कृष्ण राधा जी के भाव और कांति को लेकर जब आए तो उस भजन में कहा, यदि गौरंग ना है तो दबे की है तो केमन धरी ने राधा र महिमा प्रेम रस सीमा जगत जाना तके। राधा जी की महिमा कैसी, प्रेम रस सीमा है, और उस प्रेम की प्राप्ति वो बिना राधा जी की कांति के संभव नहीं था। ना मात्र भाव अंगीकार किया परंतु उस कांति को भी अंगीकार किया, क्योंकि उस कांति के बिना उस प्रेम का स्वादन नहीं हो सकता। श्री कृष्ण वही भाव और कांति को लेकर जब आए तो उन्होंने इतना उन्नत जो वो प्रेम है उस प्रेम को प्रदान किया, जो अन्य किसी अवतार में प्रदान नहीं किया। इसलिए अनंत विदम शरीर चिराग करुण्य अवतीर्ण करो समर्पयितम उन्नत जो रसाम स्व
वस्तु को प्रदान किया जो अन्य अन्य युगों में प्रदान नहीं किया। वो कलयुग के कलिहत जीवों को स्वभावी की उस प्रेम को प्रदान किया है। इसलिए स्वयं प्रेम के स्वरूप हैं और वितरण भी क्या कर रहे हैं, प्रेम को ही वितरण कर रहे हैं और आस्वादन भी किसका कर रहे हैं, उस प्रेम का ही आस्वादन कर रहे हैं। कैसी अद्भुत बात है। इसलिए श्री प्रोदन सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं प्रेम नामुद अक्षम शब्द पते गता कस्य नाम न महिमा। अरे इससे पहले कभी किसी के कान में ये प्रेम नाम का अक्षर कभी गया था? बस आए अवतार असुरों को वध किया और बस चले गए। लेकिन जीवों को जो प्रेम प्रदान करने की पद्धति, वो स्वयं जो प्रेम है, साक्षात प्रेम की घनीभूत स्वरूप है, वह महाप्रभु जी जो प्रेम का स्वादन भी कर रहे हैं और प्रेम का वितरण भी कर रहे हैं। तो एमन दयाल तो ना ही रहे, इनसे बढ़कर और कोई दयालु हो ही नहीं सकता। इसलिए कहा अवतार सार गौर अवतार केनो न भजिनो आमी। ये सारे अवतारों का सार है, सारे अवतारों का सार श्री सचिदानंद गौर हरि श्री चैतन्य देव है। इसलिए विचार कर रहे हैं कि विषय जाति सुख अमार हलाल, अमा भैते कोटि गुण आश्रय हलाल, आश्रय जाति सुख पाए के मन धाय, यत्न स्वादित नारी की करी उपाय, ए चिंतित रहे कृष्ण परम कौतुकी, हृदय बड़े सदा लोक धकधकी। विचार कर रहे हैं कि मैं तो श्री कृष्ण विचार कर रहे हैं, मैं उस प्रेम का स्वादन तो कर रहा हूँ, लेकिन राधा जी जिस आश्रय जाति सुख को स्वादन कर रही हैं, वो मैं नहीं कर पा रहा। इसने चिंता करते 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 राधा जी से उधार मांग लिया। मैं कल परसों इस बात को कह रहा था, कैसी विचित्र बात है कि उधार मांग रहे हैं, फिर उधार मांगकर ही उस ऋण को चुका रहे हैं। मैंने श्रीधर महाराज जी से 10,000 रुपये उधार लिया और एक वर्ष के बाद आकर कहूं महाराज 10,000 रुपये देना, क्यों? बोले आपके ऋण को चुकाना है। तो मैं तो इनका और ऋणी हो गया, मैं तो इनका और ज्यादा ऋणी हो गया। इसलिए वही श्री कृष्ण की भी यही दशा है, मैं आपके प्रेम का पार नहीं पा सकता, लेकिन आपके प्रेम का पार पाना चाहता हूँ, उसके लिए आपसे ही ऋण चाहिए। किन से? राधा जी से ही ऋण ले रहे हैं। अपनी भाव कांति दो, आपके प्रेम का मैं सर्वत्र प्रचार करूंगा। इससे वो श्री सचिदानंद गौर हरि राधा का महिमा प्रेम रस सीमा जगत जनातो के, एक बात गुण के अवतीन होने का कारण राधा जी की महिमा को ही सारे जगत में प्रसारित करना है। हम सभी गुरुदेव के अनुगत में, श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अनुगत में श्री नवदीप धाम परिक्रमा करके गुरुदेव के चरणों में ये प्रार्थना करते हैं, जिस प्रेम में आप धनी हैं, उस प्रेम की एक बूंद भी हमको प्राप्त हो जाए, हमारा ये जीवन सफल हो जाएगा। हमारे नवदीप धाम परिक्रमा का समस्त महाराज लोगों के अनुगत में ये परिक्रमा धाम दर्शन गौर नाम और गौर धाम और गौर काम को श्रवण करने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि गुरुदेव की प्रसन्नता, हे गुरुदेव आप प्रसन्न हो, उस प्रेम की एक छूटा भी हमारे मस्तक पे आ जाए, हमारा जीवन धन्य अति धन्य हो गए। ये बोलकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो सचिदानंद गौर हरि की, बोलो श्री गुरु महाराज की, श्री नवदीप धाम परिक्रमा की, निताई गौर प्रेमानंदे। और 5 मिनट बैठ जा, 5 मिनट बैठ जा, एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोलो हरे कृष्ण। एक बार कोई बोल नहीं रहे हो, क्या चक्कर है? क्रिकेट जाता हो गया।